वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिफाइंड नेम्स की बात करूंगा. दिस इज़ पार्ट नंबर थ्री और इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर कॉलम को एक स्पेसिफिक दे नेम दे देंगे बाद में हम अपने फंक्शन के अंदर उसी नाम को यूज़ करेंगे आईगा मूव करते हैं डिफाइंड नेम्स की तरफ फार्मुल टैब के अंदर हमें एक सेगमेंट दी गई है डिफरेंट टूल्स की डिफाइंड नेम्स के नाम से इसी डिफाइंड नेम्स की कैटेगरी को हम अपनी वीडियो के अंदर यूज करेंगे इसको इलाबरेट करने के लिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टेबल को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर स्टूडेंट के नाम हैं और उसके सामने इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स दिए गए हैं मैं इंग्लिश कॉलम के अंदर दिए गए मार्क्स की रेंज को एक नाम दे दूंगा और उसके बाद हम उस नाम को अपने फंक्शन के अंदर यूज करेंगे सो so, यहां पर मैं नेम वन कॉलम को टेकअप करूंगा दैट इज इंग्लिश कॉलम इसके लिए हम बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने जा रहे हैं मैं आपके सामने इन सभी स्टेप्स को यहां पर दे रहा हूँ सिलेक्ट C3 थ्री टू सी थर्टीन दैट इज इंग्लिश कॉलम इस पर्टिकुलर सेल रेंज को सिलेक्ट कर लो गो टू डिफाइन नेम फार्मूलाज के अंदर डिफाइंड नेम के अंदर चले जाओ इस पर क्लिक कर दो ए न्यू नेम डायलॉग इज ओपन ये न्यू नेम डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया बाय डिफॉल्ट हमने जो उस रेंज को नाम देना है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है मैं नेम के अंदर इसको चेंज नहीं करूँगा नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप स्कोप टेल्स वेयर टू अप्लाई दिस फंक्शन मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट शीट्स के नाम दिए गए हैं जो शीट्स के नाम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं क्या मैं किसी पर्टिकुलर शीट के ऊपर इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ या मैं पूरी वर्कबुक पर करना चाहता हूँ मैंने पूरी वर्क बुक क्लिक कर दिया मैं इस पर करना चाहता हूँ रेफरस टू केस केस के अंदर हमने जिस पर्टिकुलर सर रेंज को सिलेक्ट किया है वो एक्सेल ने सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर दे दी आई से ओके जैसे ही मैंने ओके okay किया आप नेम बॉक्स के अंदर देख सकते हो ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ आ गया इस जगह के ऊपर मैं अब फंक्शन को टेकअप करना चाहता हूँ इक्वल्स टू मैक्स पेरथी से स्टार्ट इसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखना शुरू किया जैसे ही मैंने ई लिखना शुरू किया मेरे पास टूल टिप आ गई क्या आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं मैंने इसी पे डबल क्लिक कर दिया तो मेरे पास इंग्लिश एज एन आर्गुमेंट प्रेजेंट हो गया आई क्लोज पेरेंथेसिस आई एंटर इंग्लिश कॉलम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 97 सेवन है लेकिन यहाँ पर हमने ये सेल रेंज को रेफर नहीं किया सी थ्री टू सी नहीं लिखा बल्कि उसकी जगह इंग्लिश लिखा जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर दे रहा हूँ सेकेंड केस के अंदर मैं यहाँ पर मिन के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ मिन अगेन आई स्टार्ट राइटिंग ई एन जैसे ही मैंने ई एन लिखा मेरे पास टूल टिप के अंदर इंग्लिश लिखा हुआ आ गया मैंने इसी पे डबल क्लिक कर दिया तो इंग्लिश एज एन आर्गूमेंट हमारे फंक्शन के अंदर इंसर्ट हो गया आई क्लोज पेरेंथेसिस आई प्रेस सेंट्रा हमारे पास इंग्लिश के अंदर मिनिमम मार्क्स फोर्टी हैं और मैक्सिमम मार्क्स नाइन्टी सेवन है जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर दे रहा हूँ स्टूडेंट नोट करेंगे यहाँ पर हमने सेल नंबर की रेंज को नहीं दिया बल्कि इस सेल नंबर की रेंज को एक नाम दे दिया था दैट इज इंग्लिश सिमिलरली मैं सेकेंड रेंज को सिलेक्ट करता हूँ आई गो टू डिफाइन नेम इस बारी बाय डिफॉल्ट जो रेंज हमने सिलेक्ट करी उसके ऊपर हेडर हिंदी है तो एक्सेल ने हिंदी दे दिया मैं स्कोप को भी यहाँ पर पूरी वर्कबुक के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और रेफरस टू केस के अंदर ये कंप्लीट रेंज की रेफरेंस को यहां पर दे दिया आई से ओके नाउ आई हियर इंप्लीमेंट द फंक्शन एच आई लिखा टूल टिप ने मुझे यहां पर एक रेफरेंस दे दिया हिंदी मैंने इसी पे डबल क्लिक कर दिया बेरन close. क्लोज आई enter. हिंदी के अंदर स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स 45 हैं. We वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर सो स्टूडेंट आप किसी भी कॉलम की रेंज को आप एक नाम दे सकते हैं और उस नाम को हम अपने फंक्शंस के अंदर यूज करके अपने काम को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैं उम्मीद करूंगा ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको डिफाइंड नेम्स को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद करेगी थैंक यू वेरी मच